वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ओके, तो एज यू ऑल नो दैट 2020 में आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, एंड उसके हिसाब से ये चैप्टर 4 बन गया है। पहले की अगर आप बात करो जो प्रेजेंट टेक्स्ट बुक है बच्चों पे, उसमें ये चैप्टर 5 है और इसका नाम है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा दैट किस तरीके से कांग्रेस की डोमिनेंस थी एंड ऑल दैट। तो इस चैप्टर का नेम क्या है? चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। बट अब इसका नेम चेंज होकर क्या हो गया? पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सेकेंडली, एक और चीज इस चैप्टर के अंदर ऐड हुई है, वो क्या है? एज यू ऑल नो दैट जो चैप्टर 2 है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है एंड उसके कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए हैं इसी चैप्टर के अंदर, यानी कि पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम के अंदर ऐड हो गया। तो दिस इज अ फुल न्यू चैप्टर, यू कैन से। अब इसका नाम हो गया चैप्टर 4 पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे इस चैप्टर को लेकर, तो आज वो सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी विद इन अ वीडियो। एक वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी विद एवरीथिंग दैट यू हैव टू स्टडी। सब कुछ जो आपको पढ़ना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स आई विल टीच यू हेयर, और बिल्कुल भी किसी बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चैप्टर का नाम बदल के क्या हो गया है? कांग्रेस टू एंड रेस्टोरेशन से इसका नाम हो गया पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सेकेंडली, इसमें एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से कुछ टॉपिक्स मर्ज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस सिस्टम, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस की डोमिनेंस थी, दैट वी विल स्टडी। सेकेंडली, व्हाट इज द पार्टी सिस्टम, यानी कि हम इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, कितने टाइप की पार्टीज होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। एंड द मेन थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस इज बाई पार्टी सिस्टम एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी इट इज द सेम ओनली। तो इसमें हमें पूरा का पूरा चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन कांग्रेस सिस्टम वाला चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ में हमें एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो मर्ज हुआ है, जैसे कि हमारा कांग्रेस सिस्टम, बाइपोलैरिटी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, दैट ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम हो गया है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो ये कौन सी पार्टी है। ये कोई आपकी बर्थडे पार्टी या फिर कोई शादी वाली पार्टी, ऐसी वाली पार्टी नहीं है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी हियर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आप लोगों के लिए जानना कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। हमने क्लास 10th में सिविक्स में सब कुछ पढ़ा था, उसी चीज का रिविजन आज हम करेंगे, दैट वी शुड नो व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो क्या है पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इकट्ठे आते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब इकट्ठे क्यों आ रहे हैं? कोई पार्टी करने के लिए थोड़ी है? नहीं, वो इकट्ठे आ रहे हैं टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, जैसे वो इलेक्शन में खड़े हों और फिर अगर वो जीत जाए तो वो हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे कि अभी हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी एंड उनके जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं वो सब इकट्ठे आए, हमारी बीजेपी एक पार्टी है, उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट करा एंड दे वन और उनकी गवर्नमेंट बन गई। तो इसी तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी वर्क करती है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, इट अग्री ऑन सम पॉलिसीज प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी एंड फॉर प्रमोटिंग द गुड, यानी कि जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, इनकी कोई ना कोई पॉलिसी होती है। हर एक जो पार्टी है उसकी कोई पॉलिसी है जो कलेक्टिव गुड के लिए बनी होती है, यानी कि वो जो हमारा सोसाइटी है उसका उद्धार, यानी कि उसके डेवलपमेंट करने के लिए बनी होती है। जैसे कि जब मोदी सरकार आने वाली थी तो हमने एक उनकी एक पॉलिसी थी, हमने एक स्लोगन बनाया था अच्छे दिन आने वाले, यानी कि उन्होंने एक पूरी अपनी पॉलिसी स्कीम बनाई थी कि जब उनकी सरकार बनेगी तो ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसी कांग्रेस की अपनी पॉलिसी है, हर एक जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके अपने एक सेट ऑफ रिटन पॉलिसीज होती है, उसके मुताबिक वो वर्क करते हैं एंड उसी के मुताबिक वो अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। इसकी डेफिनेशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, दैट इज टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है? कॉम्पोनेंट्स कौन कौन लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में? तो एक हो गए लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो गया। सेकेंड होते हैं इसके फॉलोअर्स, यानी कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उनको वोट देते हैं। एंड थर्ड इज द एक्टिव मेंबर्स, यानी कि कितने लोग अभी पॉलिटिकल, अब जो बीजेपी है जैसे कोई एक ही मेंबर थोड़ी है उनका, नहीं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग कामों को वो होल्ड करते हैं। देयर आर
एंड नंबर ऑफ वर्क्स इन अ पॉलिटिकल पार्टी, तो वो सब काम वो लोग करते हैं. तो देयर आर द लीडर, द फॉलोअर एंड द एक्टिव मेंबर्स. तो ये तीन कॉम्पोनेंट्स हमारी पॉलिटिकल पार्टी के. अब पॉलिटिकल पार्टी बनती क्यों है, कुछ फंक्शंस भी तो होते होंगे इनके. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, लेट अस स्टडी. तो ऐसे ही आपको शॉर्ट में ही यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम हो गया पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया. अब पार्टी ही नहीं पता किसकी बात हो रही है, तो हाउ कुड यू डील विद दिस चैप्टर. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी इसका क्या है. सबसे पहला फंक्शन क्या है, दे कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है. सेकंड फंक्शन क्या है, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिसी और प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि सबकी अपनी पॉलिसी होती है. कोई कह रहे हम गरीबी हटाएंगे, कोई कह रहे हम अनएम्प्लॉयमेंट हटाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हम फूड सफिशियंसी बढ़ाएंगे. तो ये सब पॉलिसीज बनाती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज. सेकंड क्या है, मेकिंग लॉ एंड फॉर्मिंग एंड रनिंग द गवर्नमेंट, लॉज बनाना. पहले तो ये गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट बनाने के बाद ये लॉज बनाते हैं. जैसे कि अभी बीजेपी पावर में है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई है और वही सारे के सारे हमारे लॉस बनाते हैं, वही लेजिस्लेचर में बैठ के हमारे लॉस बनाते हैं. फोर्थ इज टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है. अब कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो रोल प्ले करती है ऑफ द ऑपोजिशन का. आपको पता है ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, देखो एक पार्टी तो जीत जाती है, जो दूसरी पार्टी बिल्कुल उसके टक्कर की होती है, उससे जो सेकंड नंबर पे आई होती है, उसको हम ऑपोजिशन में बिठा देते हैं. जैसे अभी हमारी करंट ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है, कांग्रेस, ठीक है. तो जो कांग्रेस हो गई या फिर जो ऑपोजिशन पार्टी हुई, उसका काम क्या होता है कि जो भी कुछ कमियां है हमारी जो लीडिंग पार्टी है उसके काम में, उसको निकाल के लोगों के सामने लाना, लोगों को बताना एंड लोगों का पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करना, यानी कि लोगों को जागरूक करना कि सोसाइटी के अंदर ये हो रहा है. अगर जो लीडिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, अभी जो गवर्नमेंट जिसकी सरकार चल रही है, उससे कोई भी छोटी सी गलती हो जाए या कोई चीज पे वो ध्यान नहीं दे रही है, तो ऑपोजिशन की जिम्मेवारी होती है कि वो पब्लिक के सामने वो लेकर आए एंड पब्लिक अपना ओपिनियन फॉर्म करे, जिससे अगले साल जब इलेक्शन हो तो पब्लिक एक्टिवली वोट कर सके. तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के, टू शेप पब्लिक ओपिनियन एंड प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन. यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, खाली ऑपोजिशन है नहीं, सभी सब हमारे सामने आती हैं और हमें सारे के सारे जो हमारे देश के अंदर चल रहा है बातें उसके बारे में हमें बताती हैं. फॉर एग्जांपल जब पॉलिटिकल कैंपेन चलती है, तब लोगों के घर घर एक एक पॉलिटिकल लीडर जाता है, उन्हें बताता है हम ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे. तो लोगों का ओपिनियन फॉर्म होता है, घर में बैठे बैठे नहीं ओपिनियन फॉर्म होता है. व्हेन दे इंटरैक्ट विद द पॉलिटिकल पार्टीज, तब उनका ओपिनियन फॉर्म होता है, तब उन्हें समझ में आता है अच्छा ये सही है ये गलत है, और तब हम अपने डिसीजन के हिसाब से वोट देते हैं कि हमें इस पार्टी को वोट देना है या फिर उस पार्टी को वोट देना है. तो फाइव स्पीचेस हमने पढ़ लिया, फंक्शन हमने पढ़ लिया है. सिक्स क्या है, पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जिनके थ्रू हम जो गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी स्कीम बनाती है, जैसे कि अब पेंशन की स्कीम बनती है बूढ़े लोगों के लिए, मेक इन इंडिया स्कीम बनी, इतनी सारी स्कीम हमारी कंट्री के अंदर बनती है, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी. वेलफेयर स्कीम, सब्सिडीज आती हैं, ये वो जो वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, घर घर तक वो कैसे पहुंचेंगे. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट लाए और घर घर तक जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं उनका फायदा पहुंचाए. तो फंक्शन हमने पढ़ लिए क्या है, पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, फॉरवर्ड द पॉलिसीज, फिर क्या है, मेक लॉज, इन्फॉर्म गवर्नमेंट, शेप पब्लिक ओपिनियन, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन और गिव एक्सेस टू द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम. तो ये जो छह बहुत शॉर्ट में फंक्शंस मैंने बताए, होप तुम्हें लर्न हो गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो मेरे इंस्टाग्राम नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट आई प्रोवाइड नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी. तो इस चैप्टर के, पॉलिटिकल साइंस के हर चैप्टर के, आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी से नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, वन मार्क्स भी, मैप भी, कार्टून भी. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अगर आपको चाहिए तो वहां से जाकर नोट्स ले सकते हो. सेकंडली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के क्लास 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज के नोट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डाले हुए हैं. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वहां से जाकर आप सारे के सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हो. एंड अगर आप अभी कमेंट सेक्शन को चेक करोगे तो उसमें मैंने कमेंट पिन कर रखा है, जिसमें मैंने बुक 1 और बुक 2 पॉलिटिकल साइंस सबके चैप्टर्स के नोट्स के लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे. ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके नोट्स मैंने डाले हुए हैं, सो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन माय चैनल, ठीक है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज डू वी हैव, अब इंडिया के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम होता है रजिस्टर करना पॉलिटिकल पार्टीज को. ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने घर पे पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठ जाए, नहीं,
इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करती है तो पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। आप मैं और 10 बच्चे मिलकर भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, वी विल गेट इट रजिस्टर एंड देन वी विल बी अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज करंटली है इंडिया के अंदर? देयर आर 2598 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इसमें से 8 कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, 52 स्टेट या फिर रीजनल पार्टीज हैं एंड 2538 अनरिकॉग्नाइज पार्टीज, यानी कि छोटी मोटी रीजनल अनरीजनल इस टाइप की 2538 पॉलिटिकल पार्टीज है। दिस फिगर यू हैव टू लर्न, मे बी वन मार्क क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द नेशनल पार्टीज। देखो नेशनल पार्टीज होती है जो रजिस्टर्ड पार्टी होती हैं। सेकेंडली इनको कुछ क्राइटेरिया गिवन होते हैं जो इनको फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा इन्होंने जीती होनी चाहिए फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट, यानी कि 3 डिफरेंट स्टेट से 2% सीट्स वॉन करी अगर किसी पार्टी ने तो इट विल बी अ कौन सी पार्टी, हमारी नेशनल पार्टी। या फिर जो हमारे लेजिस्लेटिव या फिर जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें 6% ऑफ वोट्स फ्रॉम द 4 स्टेट्स, यानी कि 4 स्टेट्स में से अगर इन्हें 6% वोट मिला है तो भी ये नेशनल पार्टी बन जाएंगी। और दे हैव 4 सीट्स इन द लोकसभा, या फिर अगर इनके पास 4 सीटें हैं लोकसभा के अंदर देन ऑल्सो दे विल बिकम अ नेशनल पार्टी। तो देखो ये जो है आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं अभी इसके बाद एक पिक्चर डाल दूंगी कि नेशनल पार्टी के क्या क्राइटेरिया एंड रीजनल पार्टी के क्राइटेरिया क्या है। यू डोंट हैव टू लर्न इट बट एटलीस्ट यू हैव टू नो कि कौन सी पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहते हैं कौन सी पार्टी को हम रीजनल पार्टी कहते हैं और उनके एग्जाम्पल्स। सो ऑल आई एम प्रोवाइडिंग यू इन द पिक्चर, दिस रीड थ्रू इट। और ये होते हैं हमारे रीजनल पार्टीज के कंडेस्ट करने के कुछ कंडीशंस, पिक्चर आपको दिख गई होगी। सो यू कैन सी दैट किस तरीके से हम कहते हैं कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है कोई रीजनल पार्टी है। अब रीजनल पार्टी के एग्जांपल्स आप ले लो, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई, AIDMK हो गई हमारी जो साउथ इंडिया में हैगी। तो इसी तरीके से हमारी नेशनल रीजनल पार्टीज होती हैं। जस्ट फॉर यू योर नॉलेज पर्पज आपको इस चैप्टर के अंदर पता होना चाहिए दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टी। अब आते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है दैट यू हैव टू स्टडी वेरी थरली, दैट इज पार्टी सिस्टम, यानी कि हमारे कितने टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं। तो वी हैव यू कैन से ब्रॉडली हमारे पास 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं जो हमारे को अभी कोर्स में बता रखा है, हमें डिटेल में पढ़ना बहुत बाय पार्टी आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 3 पार्टी सिस्टम है हमारे, एक है 1 पार्टी सिस्टम यानी कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टी होती है नॉमिनेंस में एंड सिर्फ उसी के पास राइट होता है कि वो इलेक्शन में आए और वो गवर्नमेंट बनाए। तो आप इमेजिन करो एक ऐसी सोसाइटी कैसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है वो ही इलेक्शन में लड़ेगी और वो ही जीत जाएगी, ठीक है। तो ऐसी पार्टीज़ के अंदर इंटरनल फैक्शंस बने होते हैं, वो आपस में कॉम्पीट करते हैं, यानी कि अब एक ही पार्टी है। जैसे हमारा ओल्ड सोवियत यूनियन में होता था, कौन सी पार्टी थी, बस कम्युनिस्ट पार्टी थी हमारे पास वहाँ पे सोवियत यूनियन की। तो वहीं पे आपके पास जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स होते थे उन्हीं में से तुम चूज कर सकते हो। तो सिंगल पार्टी जो होती है फिर वन पार्टी सिस्टम में हमारे पास चॉइसेस बहुत कम होती है, उस पार्टी के अंदर के कैंडिडेट्स में से ही हमें चूज करना पड़ता है। एक ही आइडियोलॉजी होती है उस पार्टी की बट पार्टी में फैक्शंस होते हैं कभी कभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया में, क्यूबा में और चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है। चाइना की जो वन पार्टी सिस्टम की पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जो हमारा ओल्ड सोवियत यूनियन था यानी USSR आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था वहां पे भी वन पार्टी सिस्टम होता था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द 2 पार्टी सिस्टम। नाउ वी हैव टू स्टडी 2 पार्टी सिस्टम जिसको बाय पार्टी सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें मेनली 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और वही डोमिनेट करते हैं, यानी कि या तो एक पार्टी जीत जाती है या फिर दूसरी पार्टी जीत जाती है, ठीक है। और जब भी बाय पार्टी सिस्टम किसी कंट्री में होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिटन नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सिर्फ बाय पार्टी यानी कि सिर्फ 2 ही पार्टी रहेगी, नहीं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ही कंट्री की ऐसी होती है कि 2 ही पार्टी हमेशा जीती है, तो कभी एक पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है या कभी दूसरी पार्टी को ही वोट जाते हैं, मेजोरिटी उसी की फॉर्म होती है। तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लिखा होता है कि देयर वुड बी अ बाय पार्टी सिस्टम, बट पॉलिटिकल कंडीशंस ही अच्छी होती है, लोगों को कभी एक ही पार्टी अच्छी लगती है कभी दूसरी पार्टी अच्छी लगती है, तो हमारी बाय पार्टी सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाता है।
कभी एक पार्टी मेजोरिटी गेन करती है तो उसे मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं, और उस समय पे दूसरी पार्टी को माइनॉरिटी या फिर ओपोजिशन का दर्जा दे दिया जाता है। तो दिस इज अ बाई पार्टी सिस्टम। अब ऐसा नहीं होता है कि बाई पार्टी सिस्टम में सिर्फ दो ही पार्टीज होती हैं, और भी छोटी छोटी रीजनल और स्मॉल पार्टीज होती हैं जो हेल्प करती हैं एक या दूसरी पार्टी की जीतने में। जब कभी मेजोरिटी नहीं बनती तो जो छोटी वाली पार्टी होती है उससे अलायंस करके हमारा जो बाई पार्टी सिस्टम है वो फॉर्म हो जाता है। तो जो हमारा बाई पार्टी सिस्टम है उसमें भी जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैंगी। सेकेंडली, इंडिया के अंदर भी कुछ समय के लिए बाई पार्टी सिस्टम होता था, जैसे कि अभी कुछ समय पहले भी अगर आप देख लो कि या तो बीजेपी की सरकार बन रही है या कांग्रेस की बन रही है, तो बाई पार्टी सिस्टम ऐसे ही होता है। पहले अगर आप देखो, इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखो, तो एक समय ऐसा आया था जब जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी के बीच में ही ऐसे हमारी कंट्री में भी होने लगे थे, जनता पार्टी के लीडर जीत रहे थे या कांग्रेस पार्टी के। तो कभी कभी सिचुएशंस पॉलिटिकल ऐसी हो जाती हैं कि कंट्रीज के अंदर बाई पार्टी सिस्टम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएसए का देखो तो यूएसए इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बाई पार्टी सिस्टम। यूएसए में हमेशा बाई पार्टी सिस्टम होने का मतलब यह है कि या तो डेमोक्रेटिक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, या फिर रिपब्लिकन पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा। तो ऐसा ही बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका बाई पार्टी सिस्टम, इट इज यूएसए। दो पार्टीज हैं यहाँ की, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द रिपब्लिकन पार्टी, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। सेकेंडली, यूके, यूनाइटेड किंगडम भी काफी समय तक यू कैन से बाई पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा था। यहाँ की दो जो मेजर पार्टीज हैं वो है द कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लेबर पार्टी, इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव ही जीत रहे थे एंड दे वर फॉर्मिंग द मेजोरिटी गवर्नमेंट। तो दिस इज द बाई पार्टी सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द सिस्टम जिसमें बहुत सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड दे विन। तो वो कौन सी होती है हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें थ्री और मोर पॉलिटिकल पार्टीज होती है विच हैव अ कैपेसिटी टू रूल द गवर्नमेंट एंड फॉर्म अ मेजोरिटी, यानी कि तीन और या फिर तीन से ज्यादा भी ऐसी पार्टीज हो सकती हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो एक मेजोरिटी सरकार बना सके। जैसे इंडिया, इंडिया में बीजेपी की भी सरकार बन सकती है, हमारे पास हमारी कांग्रेस पार्टी भी है, हमारे पास बहुजन समाजवादी पार्टी भी, हमारे पास और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जो हमारी सरकार बना सकती हैं, मेजोरिटी गेन कर सकती हैं। और कभी कभी मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर अगर सरकार नहीं बनती, अगर मेजोरिटी, अगर ना बीजेपी ने मेजोरिटी गेन करी, ना कांग्रेस ने करी, ना बाकी किसी पार्टी ने करी, तो ऐसे समय पे क्या होता है, ऐसे समय पे हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। यू ऑल नो व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट, जब कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो दो चार पार्टियां इकट्ठी आती हैं एंड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। इसको अलायंस सिस्टम भी बोला जाता है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इंडिया के अंदर अलायंस फॉर्मेशन भी हुआ है, कोलिशन गवर्नमेंट का भी दौर रहा है जो रूलिंग मंत्रा के अकॉर्डिंग वर्क करता था। क्या होता था कि जैसे कि तीन एक पार्टी ने भी अगर मेजोरिटी नहीं जीती है तो तीन चार पार्टी इकट्ठी आती थी एंड देन दे फॉर्म अ गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया में अलायंस सिस्टम चला ऑफ एनडीए एंड यूपीए। एनडीए क्या हो गई, बीजेपी एंड बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टीज। यूपीए क्या हो गई, कांग्रेस और कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली पार्टीज। तो या तो एनडीए का अलायंस जीतता था, एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, या फिर यूपीए का अलायंस जीतता, यानी कि यूपीए की गवर्नमेंट फॉर्म होती थी। तो कोलिशन एरा में हमारे दो अलायंस बन गए थे, एक एनडीए एंड यूपीए। ऐसी ही मल्टी पार्टी सिस्टम में वी नो द एन नंबर ऑफ पार्टीज जो इंडिया की है, जो एक इंडिया की हम कह सकते हैं नेशनल पार्टीज हैं, वो कंपीट करती है और जिसकी मेजोरिटी बनती है वो सरकार बना लेती है। तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है, उससे जो लोग के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। वी हैव सो मेनी आइडियोलॉजीज जिसमें से हम चूज करके अपना जो लीडर है उसको चुन सकते हैं। और मल्टी पार्टी सिस्टम को कहा जाता है कि ये जो सिस्टम है ये इनस्टेबिलिटी ले आता है कभी कभी, यानी कि कभी कभी इसमें बहुत डर होता है सरकार के गिरने का। जैसे कि अभी आप रिसेंटली न्यूज में देखते हो, कभी कहीं की सरकार गिरती है, कभी कहीं की गिरती है। तो इसमें सरकार गिरने का खतरा तो होता है, बट इट प्रोवाइड्स अ वेरी मच चॉइसेस टू द पीपल। लोग अलग अलग आइडियोलॉजीज में से चुनकर अपने जो उनके लीडर्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। तो हमने तीनों पढ़ लिया, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन, इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। तो विद दिस आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट That is the Congress system, यानी कि जो कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में हम बात करेंगे। जो फर्स्ट थी जनरल इलेक्शंस में जो कांग्रेस था वो सबसे डोमिनेंस चल रही थी, दैट वी विल टॉक अबाउट इन दिस टॉपिक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी याद रख लो आप, कि हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था। तो अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में से ऐड हुआ है, दैट इज द कांग्रेस सिस्टम। देखो, कांग्रेस जो है, मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन तक जो कांग्रेस थी उसकी डोमिनेंस है, यानी कि जो पहले तीन हमारे जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के,
उसमें कांग्रेस ही जीत रही थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वन मार्कर्स, कब हुआ था हमारा, 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। उससे पहले हमारे दो बार पोस्टपोन हुआ जनरल इलेक्शन बिकॉज ऑफ द डिलेज, क्योंकि हमारी इलेक्शन कमीशन तभी तभी एस्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने वर्क करना भी अभी सीखा था, हमारा जो इंडिया था उसके सारे वोटर रजिस्टर्ड हुए, तो इट वॉज अ वेरी बिग टास्क टू कंडक्ट अ इलेक्शन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तब इलिटरेट होते थे लोग, तो बहुत बड़ा टास्क था, एक चैलेंज था डेमोक्रेसी को टेस्ट करने का इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जो फर्स्ट टाइम हमारी इतनी बड़ी कंट्री के अंदर हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने जा रहे थे, हम इलेक्शन करने जा रहे थे। तो दो बार पोस्टपोन तो हुए, बट हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन होना हो जाता है हमारा ऑन द 1952। ये हमारा अक्टूबर से लेकर आप कह सकते हो फेब तक चलता है, इसलिए इसको रेफर करा जाता है जनवरी 1952 का हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और जो हमारे अब लेट्स स्टडी अबाउट द कांग्रेस सिस्टम, जो जितने तीन हमारे जनरल इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस ही जीती, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे भी कांग्रेस ही जीती थी एंड स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस ही जीत रही थी, बाकी कुछ पार्टीज भी जीती थी बट उन वो जो सीट जीती थी वो बहुत कम होती थी, मेजोरिटी हमारी कांग्रेस ही ले जाती थी। फॉर एग्जांपल मैंने आपका तीनों का टेबल बना दिया है अकॉर्डिंग टू द बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। जो हमारे फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन हुए, पहला हुआ 1952 में, दूसरा 57 एंड थर्ड हुआ 1962 के अंदर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी चाहिए थी, एक में फर्स्ट में चाहिए थी 489, सेकंड में 494 एंड थर्ड में चाहिए थी 494, ठीक है। तो इसमें से कांग्रेस कितनी सीट हमारी कांग्रेस कितनी सीट हमारी गेन कर लेती है, कितनी जीती है, कांग्रेस फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 364 सीट्स जीती है, यानी कि 45% ऑफ द वोट, जितनी सीटें जीतते हैं उससे हम वोट निकालते हैं कि दैट मीन्स कितने परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में से वोट इन्हें मिले हैं। तो 364 सीट्स जीतने का मतलब 45% ऑफ वोट मिला है, 371 सीट्स जीतने का मतलब है 47.8% वोट जीत जाती है सेकेंड जनरल इलेक्शन में, एंड थर्ड जनरल इलेक्शन के अंदर 361 सीट्स जीती है, यानी कि 44.4% वोट्स कांग्रेस जीत जाती है। तो क्लियर मेजोरिटी से हमारी कांग्रेस इस समय पे जीत जाती है पूरे इंडिया के अंदर एज ए सेंटर लेवल, ठीक है। अब जो दूसरी पार्टी थी जो हमेशा कांग्रेस की कॉम्पिटिशन में रहती थी उस समय पे, वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें उसने खाली 16 सीटें जीती थी, 16 सीट्स, सेकेंड जनरल इलेक्शन में 27 सीट्स जीती एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में 29 सीट्स जीती। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या था जो कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी से जीत रही थी फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन में, तो देखो वो होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, एज यू नो दैट उसने लेगेसी अटेन करी थी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम के टाइम पे जैसे मैंने अभी लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया कि हमारी मुस्लिम लीग थी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए, और पूरे इंडिया के लिए हमारी फर्स्ट पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ही ने ही हम सबसे ज्यादा आप कह सकते हो मदद करी अंग्रेजों को भारत से भगाने में, हमारे जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लीडर थे एंड उन्होंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, तो कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को भगाने में बहुत हेल्प करी थी। कांग्रेस हेल्ड द लेगेसी ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, यानी कि नेशनल मूवमेंट की लेगेसी कांग्रेस को मिल गई थी। सेकेंडली जो चार्मिस्टिक लीडर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनकी वजह से कांग्रेस की विक्ट्री होना तो बिल्कुल सच ही था, बिकॉज उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लोग उन पर फीड करते थे, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। तो कांग्रेस का जीतना लाजमी बात थी, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीती है हमारी मेजोरिटी से। एट द स्टेट लेवल ऑल्सो हमारी जो कांग्रेस है वो मेजोरिटी से जीत जाती है, बट कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां पे कांग्रेस मेजोरिटी से नहीं जीत पाती। फॉर एग्जाम्पल त्रावणकोर, जो त्रावणकोर के कोचे में जो अभी का केरला है, वहां पे कांग्रेस स्टेट लेवल पे नहीं जीती, मद्रास में नहीं जीती, ओडिशा में नहीं जीती। तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स थी दिस यू हैव टू रिमेम्बर जहां पे कांग्रेस स्टेट लेवल पे नहीं जीती थी। ओके, तो 1957 एंड 62 में कांग्रेस सेम मेजोरिटी से जीती है, 3/4% ऑफ द सीट कांग्रेस जीत जाती हैगी, तो इन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस जीती है। और जो अपोजिशन पार्टी है ना वो कांग्रेस के 110 सीट्स भी नहीं जीत पाते, यानी कि जितनी टोटल सीट्स कांग्रेस ने जीती है उसका 1/10% भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो नहीं जीत पाती थी, एक्सेप्ट जो स्टेट थी हमारी केरला, उसमें जो हमारी कांग्रेस है वो नहीं जीती मेजॉरिटी से इन द 1957। वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट जीती है ऑफ द CPI, दैट अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जिसके बारे में पढ़ेंगे। द 1957 के अंदर जो कांग्रेस है वो केरला में नहीं जीती है, वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ऑफ द CPI। वैसे जो कांग्रेस है अब आप देख रहे हो कि मेजॉरिटी से जीत रही है, जो विक्ट्री है इट इज़ आर्टिफिशियली
एक्चुअली बूस्टेड. आप आपके बुक में बताया गया वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर में कि ये जो विक्ट्री होती है इट इज़ एन आर्टिफिशियल विक्ट्री. विक्ट्री बूस्ट होती है हमारे इलेक्शन सिस्टम के हिसाब से. हमारा इलेक्शन सिस्टम कौन सा है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP, यानी कि जिसके ज़्यादा जो जितने ज़्यादा सीट जीत रहा है उसके उतने ज़्यादा वोट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल विक्ट्री का एग्जाम्पल दे रखा है दैट कांग्रेस डिडंट मैनेज टू विन इवन द 3/4 ऑफ द वोट, यानी कि 4/4% जो वोट थे उसमें से 3/4 वोट्स भी ये नहीं जीती थी, बट इनको हाफ ऑफ द सीट्स मिल जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो 45% वोट्स जब हमारी कांग्रेस ने जीते, यानी कि 100 में से 45% वोट्स जीते और सीटें कितनी मिली? 74%. यानी कि वोट तो खाली 45% मिले, सीट कितनी मिली? 74%. अब ऐसे ही सोशलिस्ट पार्टी ने 10% ऑफ द वोट जीते थे, बट इन्हें सीटें कितनी मिली? सिर्फ 3% सीट मिली. तो ये जो डिफरेंस होता है, वोट तो कम है पर सीट ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ द FPTP जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो पहले पोजीशन हेल्ड कर लेता है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है और वही जीत जाता है. FPTP यू हैव टू रिमेंबर 11th में हमने पढ़ा था. तो अभी आई विल एक्सप्लेन इट यू नेक्स्ट, अभी बोर्ड रख के समझाती हूँ दैट क्या होता था. हमारी जो विक्ट्री थी इट वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड. इतने वोट्स नहीं मिलते थे जितनी आपको सीट्स मिल जाती थी. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट वी विल गो अकॉर्डिंग टू द FPTP सिस्टम, इसीलिए जो हमारी विक्ट्री होती है दैट इज समटाइम आर्टिफिशियली बूस्टेड. तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है. नाउ विल स्टडी कांग्रेस सिस्टम को ही आगे और पढ़ते हैं, फिर वी विल स्टडी द चैप्टर द चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन टू द कांग्रेस सिस्टम. अभी अपने एडेड टॉपिक्स पढ़ ली हैं जो इस टॉपिक इस चैप्टर स्टार्ट द टॉपिक द कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला. देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि जो एक जगह थी जहां पे हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी इन केरला, तो दैट वी विल स्टडी दैट किस तरीके से कौन सी पार्टी केरला में जीती थी. एक चीज़ जो FPTP मैंने अभी तुम्हें समझाया था आर्टिफिशियल तरीके की हमारी जीत होती है, 11th में हमने इसके बारे में पढ़ा था. छोटा सा एक बार आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि FPTP सिस्टम कैसे वर्क करता है. तो आप सपोज करो कि देखो FPTP सिस्टम में जिसने मैक्सिमम वोट्स गेन करे हैं वो जीत जाता है. जिसको मैक्सिमम वोट्स गेन करे वो जीतता है. मेजॉरिटी वाला नहीं जीतता है, मेजॉरिटी वाला नहीं जीतेगा. जिसने मैक्सिमम वोट्स गेन करे हैं वो जीत जाएगा. इस तरीके से होता है हमारे किस सिस्टम के अंदर, हमारे ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर. तो आप मान लो कि एक जगह पे 100, अब हमें 100 वोट्स है टोटल, इसमें से एक पार्टी जीती 30, दूसरी जीती 20, 20, 10, 10, 10, हो गया टोटल हमारा 100. तो जो ये 30 सीट जीती है वो पार्टी जीत जाएगी. क्यों? क्योंकि इसने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सीट जीती है. मेजॉरिटी नहीं. मेजॉरिटी कब होगी? जब कोई 100 में से 50 सीट जीत जाएगा. मेजॉरिटी तो तब होगी जब 100 सीटों के ऊपर लड़ाई हो रही है, जो 50 जीतेगा मेजॉरिटी तब होगी. बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट ले जाएगा. पहली पार्टी 30 ले गई, सेकेंड 20, 20, 10, 10, 10, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट किसने लिए? हमारी, इसने जो फर्स्ट पार्टी थी उसने लिया, तो इसलिए ये जीत जाएगी. ऐसे होता है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. अब आप इमेजिन करो ये सिचुएशन. अब जो पार्टी जीती है उसने कुल 30 सीट्स जीती हैं, बट फिर भी वो जीत जाएगी. तो मतलब जो बच्चा 100 में से 30 नंबर ला रहा है वो जीत गया. तो इस टाइप का सिस्टम, इसीलिए लिखा हुआ है इस विक्ट्री को एन आर्टिफिशियल विक्ट्री. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ने 11 में डिटेल में पढ़ा था. आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने आपको ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया है जिससे तुम्हें याद आ जाए कि वॉट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ये जो विक्ट्री होती है उसको बूस्ट कर देता है. यानी कि जो 100 में से 30 सीटें भी जीता है, जैसे अभी हमने रेशियो देखा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अभी लास्ट मैंने आपको दो रेशियोज बताए, उसकी सीट्स इतनी थी बट उसको कुल 3% सीट्स मिलती है, 3% सीट्स मिलती है, वोट उसको 10% मिले थे, 3 सीटें मिलती हैं उसको. तो ऐसे ही आर्टिफिशियल विक्ट्री होती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में. बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के हिसाब से हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं. नाउ लेट्स स्टडी, ये मैंने आपको रिविजन दे दिया है. नाउ लेट्स स्टडी कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला. देखो ये जो विक्ट्री थी ये वर्ल्ड वाइड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज विक्ट्री थी, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी आज तक कभी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू कभी भी पावर में नहीं आती. यानी कि इलेक्शन हुए, कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन में कंटेस्ट करा और वो जीत गई. मतलब लोगों ने अपनी मर्जी से कम्युनिस्ट पार्टी को जिताया, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक हिस्ट्री के अंदर. जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी पार्टीज होती है, जो मेनली स्टेट
कम्युनिज्म हमने पढ़ा है अभी, आइडियोलॉजी कम्युनिज्म क्या, स्टेट कंट्रोल सब कुछ होता है, स्टेट ही सब पब्लिक सेक्टर को सब कुछ, प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ स्टेट कंट्रोल कर, जैसे USSR में था। तो वो वाली पार्टी का पॉपुलर इलेक्शन के थ्रू जीतना वॉज अ, आप कह सकते हो पूरी हिस्ट्री के अंदर ये एक पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक बिल्कुल नई सी चीज़ थी। तो मार्च 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी, जो हमारे 1957 के जनरल इलेक्शन हुए थे ना, उसी में उसके साथ में ही हमारे लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है केरला के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट से, 60 out of 126 सीट्स वो जीत जाती है, यानी कि 126 में से 60 सीटें वो जीत जाती है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी विक्ट्री होती है। और जो सरकार बनाने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए किसको इनवाइट किया जाता है, ई एम एस नंबूदरी पद वन मार्क क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो लीडर ऑफ कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी थी उनके लीडर आते हैं और वो सरकार बनाते हैं, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। अब फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ल्ड में होता है कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट पावर में आती है थ्रू द इलेक्शन। आज से पहले मैंने तुम्हें बता दिया ऐसा हुआ ही नहीं था कि इलेक्शन के थ्रू कम्युनिस्ट पार्टी कभी रूल में आई हो। अब इस चीज से, अब पहली बार हमारी जो कांग्रेस थी उसने लूज को, आप कह सकते हो कि हारने का टेस्ट करा था उसने लूजर टेस्ट करा था, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, पहली बार हमारी कांग्रेस पार्टी हारी थी। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वो कहती है इट लॉन्च्ड अ लिबरेशन स्ट्रगल। लिबरेशन स्ट्रगल मतलब क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट अब आ गई है, ये बहुत ज़्यादा रेडिकल मेथड्स लगाएगी, और ये जो हमारी जो केरला स्टेट हैगी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेशन यानी कि डेवलपमेंट लाने के लिए करप्शन वगैरह भी करेगी, लोगों के राइट्स छिन जाएंगे, बहुत ही रेडिकल प्रोसेस से ये डेवलपमेंट लाएगी, इसलिए ये लॉन्च करते हैं लिबरेशन स्ट्रगल। अब लिबरेट किससे कराना था, कम्युनिस्ट वाले लोगों से, यानी कम्युनिस्ट पार्टी से लिबरेशन स्ट्रगल लॉन्च कर देते हैं। एंड कुछ समय बाद 1959 के अंदर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो पॉपुलरली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो कर देता है हमारा सेंटर अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ एमरजेंसी, डिसमिस कर देता है हमारा जो सेंटर हैगा केरला की गवर्नमेंट को, क्या कह के कि ये लोग बहुत रेडिकल मेथड्स के थ्रू डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पॉपुलरली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में पहली बार बनी थी उसको हटा दिया जाता है। इमरजेंसी पावर, आपको पता होगी कि अगर सेंटर को लगे कि कोई स्टेट के अंदर ज़रूरत है तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू इमरजेंसी लगवा कर वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस करा सकता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट यूज एंड डिसयूज, आप कह सकते हो एक तरीके से मिस यूज ऑफ द पावर ऑफ इमरजेंसी, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं थी उस समय पे कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट को हटाने की, बट इस समय पे कांग्रेस जो अपनी पावर है उसका मिस यूज करती है, गलत यूज करती है, और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बना पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी भी आप कह सकते हो इट इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, कि ये पहला यूजेज था हमारा, आप कह सकते हो पहली बार ऐसा हुआ कि इमरजेंसी की पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करा, एंड कम्युनिस्ट फैक्ट्री जो हुई थी हमारी केरला में उस पार्टी को हटा दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से वन मार्क क्वेश्चन ही आते हैं मोस्टली, तो ये दोनों वन मार्क क्वेश्चन ईएमएस नंबूदरी पद वाला और कम्युनिस्ट विक्ट्री, दिस यू हैव टू लर्न। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, यानी कि ये कांग्रेस डोमिनेंस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है चैप्टर में से जो ये हमने टॉपिक्स लिए हैं। तो क्या थी कांग्रेस की डोमिनेंस के रीजन और कैसी थी कांग्रेस की डोमिनेंस, दैट विल स्टडी। वन थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स दैट देखो, अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़े हैं, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 बुक 2। अब आपको पता है 2020 के सिलेबस के हिसाब से आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इसमें मर्ज हुआ है, बट मर्ज तो हुआ है इसका मतलब ये नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं पार्टी वाले, सोशलिस्ट पार्टी, ये वो नहीं पढ़ने तुम्हारे को, ठीक है, वो नहीं पढ़ने तुम्हें। मेनली आपका प्रपोज कंटेंट में आपको बाई पार्टी पढ़ना है, पढ़ा दिया मैंने, मल्टी पार्टी पढ़ना है, पढ़ा दिया मैंने, कोलिशन गवर्नमेंट पढ़ना है, पढ़ा दिया मैंने, पॉलिटिकल पार्टी पढ़ना है, पढ़ा दिया मैंने, और क्या पढ़ना है आपको, कांग्रेस सिस्टम। तो ये सब कुछ जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ इट कम अंडर द कांग्रेस सिस्टम। अभी हमने पढ़ा पहले कांग्रेस की डोमिनेंस, अब हमने विक्ट्री पढ़ ली कि किस तरीके से कांग्रेस ने पावर का मिस यूज करा, अब हम नेचर पढ़ेंगे इसकी डोमिनेंस का, फिर हम पढ़ेंगे कि वो एक सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन था, यानी कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल कोलिशन था, बहुत सारी आइडियोलॉजीज कांग्रेस के अंदर आती थी। देन वी विल स्टडी किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को मैनेज करती थी और कैसे ऑपोजिशन पार्टी इमर्ज हुई, ठीक है। तो आपको जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का, आई हैव सीन मेनी पीपल आर टीचिंग दैट ऑल्सो। तो गाइज 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया है, एंड आई टोल्ड यू दैट माई वर्क इज टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू, इसलिए मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो दिस वीडियो यू विल वॉच द फुल, इस वाली पार्ट में आई एम कवरिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस पढ़ते हैं। तो कांग्रेस की डोमिनेंस हमारी 15 सालों तक चली, यानी कि 3 जनरल इलेक्शंस तक हमारी कांग्रेस की डोमिनेंस चली, 1952 से 67 तक कांग्रेस की डोमिनेंस चली। बट देखो कांग्रेस की डोमिनेंस, एक बार हिंदी में ये पूरा बता देती हूँ क्या है इसका मतलब, बहुत अलग थी। देखो मोस्टली डोमिनेंट क्या होती है, हमने अभी वन पार्टी सिस्टम पढ़ा, यानी कि
कौन एक ही पार्टी होगी पूरे हमारी कंट्री के अंदर, एक ही पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन करेगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी और वहीं पे वही पार्टी जीत जाएगी, वो होता है वन पार्टी सिस्टम। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा था, कांग्रेस भी पार्टिसिपेट कर रही थी इलेक्शन में और भी बहुत सारी पार्टी से कांग्रेस की जगह पार्टिसिपेट कर रही थी इलेक्शन में, बट जीत कांग्रेस रही थी और हमारा इलेक्शन होती थी फ्री एंड फेयर। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस कोई गलत काम कर रही थी इलेक्शन में, वोटिंग मशीन से छेड़खानी कर रही थी, नहीं, बिल्कुल फ्री एंड फेयर हमारा इलेक्शन हो रहा था। और तब भी तीन चार इलेक्शन में कांग्रेस जीत के आई, तो दिस वॉज अ वेरी यूनिक थिंग। लोगों ने अपनी मर्जी से कांग्रेस को 3 बारी चुना, तो दिस वॉज अ वेरी यूनिक थिंग इन द वर्ल्ड ऑल्सो। वर्ल्ड में जितनी भी पार्टीज जो बार बार जीती वो हमेशा किसी ना किसी अनफेयर मीन्स के थ्रू ही जीती थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़खानी करके जीती थी। लेट्स स्टडी। तो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम इज नॉट इन अ न्यू इन अ कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर नई बात नहीं है कि कोई एक पार्टी की डोमिनेंस होना। बट येस, वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जो हमारे जो वन पार्टी डोमिनेंस था वो बहुत अलग था। हमारे जो वन पार्टी डोमिनेंस भी उसमें डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, यानी कि डेमोक्रेसी के अंडर ही जो हमारी कांग्रेस है वो बार बार जीत रही थी। फॉर एग्जाम्पल, हमने बता रखा है कि जो चाइना है, क्यूबा एंड सीरिया है, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि सिंगल पार्टी होगी, बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, देयर विल बी मल्टी पार्टीज। जिसको पार्टी बनानी है और कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन कर ले, और क्या होगा, जिसको करना है कर सकते हैं। बट ये देखो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि सिंगल पार्टी है, कोई और पार्टी बनी नहीं सकती। म्यांमार, बेलारूस, इरिटोरिया, इजिप्ट आर वन पार्टी डोमिनेंस बाय मिलिट्री मेजर्स। मिलिट्री मेजर्स मतलब कि मिलिट्री कूप के ने अलाउ कर रखा है सिर्फ एक ही पार्टी को, और कोई पार्टी को वो खड़ा ही नहीं होने दे रहे, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सेकंड क्या है, फ्यू इयर्स अगो तक मेक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान भी हमारा वन पार्टी डोमिनेंस स्टेट्स थे, अभी कुछ समय पहले ये हट गए हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इंडिया के अंदर क्या होता था, जब डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होते थे फ्री एंड फेयर, तब कांग्रेस जीत रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई अनफेयर मीन्स यूज हो रहा था तब कांग्रेस जीत रही थी। ऐसा ही, ऐसा जैसे इंडिया में हो रहा है ना एक पार्टी की डोमिनेंस इलेक्शन के थ्रू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू, वैसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ होता था जब डोमिनेंस एंड हुई थी उसकी बिकॉज ऑफ द अपार्थाइड। जब अपार्थाइड खत्म हुआ ना साउथ अफ्रीका में, अपार्थाइड अंग्रेज लोग जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ बहुत गलत करते थे, तो उस समय पे अपार्थाइड जब खत्म हुआ, अपार्थाइड के अंदर भी जो आप कह सकते हो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई, उसने बहुत हेल्प करी, मतलब इट वॉज इन द आप कह सकते हो चीफ रोल प्ले करा उसने अपार्थाइड को एंड कराने में। तो वही जो उसने भी लेगेसी मिली उसको भी उनके नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की, और उसके बाद जो ये हमारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसने भी काफ़ी समय तक अफ्रीका को रूल करा। और कांग्रेस का भी सबसे बड़ा रीज़न क्या था, अभी हाँ मैं पढ़ाऊंगी क्या रीज़न थे, जो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि देखो जो पॉलिटिकल फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने मेहनत करी है उन्हीं लोगों को बाद में लोगों ने उन पर विश्वास करा और उनको वोट दिया। अब आपका PRI पार्टी, आई थिंक ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेट्स स्टडी PRI पार्टी कौन सी थी। 1929 में नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसका नाम बाद में बदल गया, इंस्टीट्यूशनरी रेवोल्यूशन पार्टी बनी। ये पार्टी इंडिया की नहीं है, ये पार्टी मेक्सिको की है। इसने 60 सालों तक मेक्सिको में रूल करा, 60 ईयर्स। क्या होता था, इलेक्शन होते थे, बहुत सारी पार्टीज कंटेस्ट करती थी, बट जीतती हमेशा PRI थी। दैट मींस ये लोग कुछ छेड़खानी कर रहे थे, दे वर यूजिंग सम अनफेयर मींस। बट 2000 में क्या होता है, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अभी कुछ समय पहले 2000 में आपके लोग 20 साल पहले जब इलेक्शन हुए तब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार जाती है, और उसके बाद से ये वन पार्टी डोमिनेंस में से बाहर आ जाती है। अब खत्म हो जाती है PRI की डोमिनेंस। तो यहाँ आपने देखा कि इनके प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का नाम भी बता रखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक वर्ड के लिए आपको, वन मार्क के लिए आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने 60 डिकेड्स, आप कह सकते हो 6 डिकेड्स तक, यानी 60 सालों तक रूल कर रहा था इन मेक्सिको, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए। PRI उल्टा बोलते हैं इसको, नाम इसका क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, बट इसको बोला उल्टा जाता है PRI, और ये स्पैनिश में इसको PRI बोला जाता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे अनफेयर मीन्स के थ्रू वन पार्टी डोमिनेंस होता है, बट हमारे यहाँ वन पार्टी डोमिनेंस किससे हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू हुआ। सब पार्टिसिपेट करते थे बट फिर भी हमारी कांग्रेस ही जीत रही थी। अब वो रीजंस आते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कांग्रेस डोमिनेंस, भाई ऐसा क्या था जो बार बार ही कांग्रेस जीत रही थी, लेट्स स्टडी।
फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कांग्रेस डोमिनेंस। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर तो वही है, बार बार रिपीट हो रहा, आई थिंक अब तक आपको लर्न भी हो गया होगा कि रूट्स ऑफ एक्सट्रॉर्डिनरी सक्सेस गोज बैक टू द लेगेसी ऑफ नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल का जो लेगेसी कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत हेल्प करी थी, कांग्रेस के जितने लीडर्स थे वो फोर फ्रंट पे थे, तो ऑब्वियस है लोगों का फेथ था उनके अंदर एंड दे यूज टू इलेक्ट देम एज देयर लीडर। सेकेंड क्या हुआ, कांग्रेस बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स को इकट्ठा लाता था और कांग्रेस में डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट, कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरेस्ट भी जगा पाते थे। जैसे कि देखो, कांग्रेस में पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, मनी लेंडर्स हो गए आपके, या फिर बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, सब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस में थे। आपने देखा कांग्रेस के अपने सेशंस होते थे, आपने देखा कि मणिपुर की अलग कांग्रेस हो गई थी हमारी, हर एक जो अपनी स्टेट थी उनकी अपनी अलग अलग कांग्रेसेस थी, कांग्रेस के अंदर फैक्शन थे जो अभी आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो कांग्रेस में वाइड इनका बेस ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे यहाँ देखो, कुछ पार्टी है उसकी एक पॉलिसी है, ठीक है, एक पार्टी है इसकी दूसरी पॉलिसीज है, बट कांग्रेस क्या था, कांग्रेस में इतने सारे इंटरेस्ट है, इतनी सारी पॉलिसीज, जो भी अगर कोई सोच रहा है तो वो ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर, उसकी पॉलिसी के अंदर होती थी। तो कांग्रेस का जो बेस था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, अलग अलग इंटरेस्ट, लेफ्ट राइट हर एक टाइप का इंटरेस्ट को कांग्रेस के अंदर जगह मिलती थी, इसीलिए कांग्रेस की विक्ट्री जो थी वो बूस्ट अप होती थी। इट वाज अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, रेनबो लाइक सोशल कोलिशन था, यानी कि जिसको कुछ भी, अगर किसी को कोई भी अपना राइट चाहिए, किसी को कुछ भी मांग करनी है, तो ही कैन गो टू द कांग्रेस, वो कांग्रेस से रिप्रेजेंट खुद को कर सकता था। वो इंडिया की जितनी भी डाइवर्सिटी थी इन टर्म्स ऑफ द कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, सब कुछ तो था हमारा कांग्रेस रिप्रेजेंट कर, यानी कि कांग्रेस में हर कास्ट से लीडर्स आते थे, हर क्लास से, हर रिलीजन से, हर लैंग्वेज से लीडर्स आते थे। तो किसी और को पार्टी को वोट देने की जरूरत ही क्या है, जिसको जो पार्टी देना था वो तो उनका लीडर तो कांग्रेस में ही होता था, इसलिए कांग्रेस विक्ट्री मिलती थी। सेकंड क्या हो गए, इट्स कोलिशन लाइक करेक्टर गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ, वही मैंने तुम्हें बताया। जैसे कि अब कोई, आप कह लो कि किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो कांग्रेस के अंदर फैक्शंस होते थे, कांग्रेस कोलाइड कोलिशन बना के चलता था, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग भी, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, बट दोनों के अंदर मिलकर रहते थे फैक्शन की तरह हमारे कांग्रेस के अंदर। सो दिस वॉज द मेन थिंग जो कांग्रेस की विक्ट्री को बूस्ट अप करती थी। सेकंड क्या हो गया, हमारा जो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था, उसकी वजह से भी जो कांग्रेस की विक्ट्री थी वो बूस्ट अप हुई थी, क्योंकि जो बाकी जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको वोट बहुत कम मिलते थे, इसीलिए कांग्रेस को चाहे कम वोट भी मिले हो, जैसे मैंने आपको बताया कितने वोट उसे मिलते, तब भी हमारी जो कांग्रेस थी वो जीत जाती थी। नाउ लेट्स स्टडी द कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। तो यानी कि ये जो सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कैसे था, तो एक बार आपको बता देती हूँ कांग्रेस कैसे बनी थी, ठीक है, बुक से बाहर का है, एटलीस्ट यू शुड नो। 1885 में एज अ प्रेशर ग्रुप कांग्रेस बनती है। मेनली कहा जाता है कि एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने कांग्रेस को फाउंड करा था, वैसे और भी लोग थे कांग्रेस के फाउंडर्स में। 20th दिसंबर 1885 को हमारी कांग्रेस बनती है। उससे पहले काफ़ी डिस्कशंस हो रहा होता है कि जो AO ह्यूम थे, ये जो हमारे स्टूडेंट्स थे बॉम्बे में एक कॉलेज था उसके, उनको एक्टिव करते थे, और बाकी भी जो 72 डेलीगेट्स आप कह सकते हो, डेलीगेट्स होते थे जो इंटेलिजेंट लोग हो गए, पढ़े लिखे अपर क्लास इंग्लिश बोलने वाले इलाइट लोग थे इंडिया के, उनको उन्होंने बोला कि एटलीस्ट यू शुड मेक अ प्रेशर ग्रुप, और तुम जब ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डालोगे तभी इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स आ सकते, तभी ब्रिटिशर्स इंडिया का भला करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत होती है हमारी कांग्रेस के फॉर्मेशन की। धीरे धीरे कांग्रेस फॉर्म कब होती है, एट दी एंड, आप जब अभी अगर BA में पॉलिटिकल साइंस लोगे अपनी पॉलिटिकल ऑनर्स करने में, तो आपको डिटेल में बताया जाएगा इसमें। तो 20th दिसंबर 1885 को हमारे 72 डेलीगेट्स मीटिंग करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा समझदार इलाइट इंग्लिश स्पीकिंग लोग जब मीटिंग करते हैं, तब हमारी कांग्रेस फॉर्म होती है। किस डेट पे होती है, 20th दिसंबर 1885। तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द कांग्रेस सिस्टम, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कांग्रेस किस डेट पे फॉर्म हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न। एंड वो फॉर्म हुई थी एज अ प्रेशर ग्रुप, देन इट टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले कांग्रेस के अंदर खाली एजुकेटेड कमर्शियल एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस आती, यानी कि अमीर लोग, एजुकेटेड लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। बट जब कांग्रेस ने स्टार्ट करा था तब वो खाली अपर क्लास डोमिनेटेड थी, यानी कि जैसे आपने देखा कि इंग्लिश बोलने वाले लोग अपर कास्ट के ही होंगे, जितने भी अमीर लोग थे वो डोमिनेट करती थी। बट जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, महात्मा गांधी ने करा था, जिसमें सब हिंदू मुस्लिम सब यूनाइट हो गए थे, उन्होंने कहा था अंग्रेज भारत छोड़ो, उस मूवमेंट के अंदर इसका जो बेस होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। अब पीजेंट, आर्टिसंस,
इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन, विलेजर, वर्कर, ओनर, अब सब लोगों को कांग्रेस के अंदर जगह मिलने लग गई। हर कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के अंदर भेज रहा था। अब खाली वो अपर क्लास और इंग्लिश मैन वाली बात नहीं रही थी कांग्रेस में। कांग्रेस का सोशल बेस वाइड है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, तो उसके बाद से जो कांग्रेस है उसका सोशल बेस वाइड हो जाता है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद और भी बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर जगह पाने लगते हैं। फिर इसको रूरल एग्रीकल्चर बेस भी मिल जाता है, यानी कि कांग्रेस रूरल लेवल पे भी जाने लगती है। वहाँ से लीडर्स आके भी कांग्रेस में इंडल्ज होने लगते हैं। एंड एट द एंड कांग्रेस हमारा एक रेनबो लाइक कोलिशन बन जाता है। रेनबो लाइक कोलिशन मतलब कि आर्टिसंस के लिए भी कांग्रेस में जगह है, पीजेंस के लिए भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी है, हर एक के लिए कांग्रेस के अंदर जगह है। कि मैनी ग्रुप्स emerged and remained within the Congress and it is known as the ideological coalition. अब देखो Congress के अंदर faction यानी कि गुटबाजी होती थी, अलग अलग interest के लोग होते थे। यानी कि एक हो गया, आप सबसे easy तरीका मान लो left and right wing। लेफ्ट विंग वाले हो गए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू रिफॉर्म लाना चाहते हैं, और राइट विंग वाले वो हो गए जो प्राइवेट ओनरशिप पे ध्यान देना चाहते हैं। यानी कि राइट हो गए हमारे कैपिटलिज्म वाले, लेफ्ट हो गए हमारे कम्युनिज्म वाले। अब दो हमारी आइडियोलॉजी हो गई। बट आप इमेजिन करो कि हमारे कांग्रेस के अंदर ही इन दोनों आइडियोलॉजीज को जगह मिलती थी। एक हो गए जो राइट को सपोर्ट करते हैं, एक हो गए लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं। बट ऐसे में तो दोनों को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, अपनी अपनी पार्टी बनानी चाहिए, बट ऐसा वो लोग नहीं करते थे। दोनों को दोनों कांग्रेस के अंदर ही रहते थे और कांग्रेस के अंदर रह के ही कंपीट करते थे। तो दिस वॉज द मेजर, आप कह सकते हो, फीचर ऑफ द हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय पे। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लेफ्ट एंड राइट आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, बट दोनों के दोनों ही कांग्रेस के अंदर रह के ही कंपीट करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट आइडियोलॉजीज कौन सी होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया, रेवोल्यूशनरी, लेफ्ट, राइट, पैसिफिस्ट, और अलग अलग तरीके के आइडियोलॉजीज के लोग इकट्ठे कांग्रेस में रहते थे और कंपीट करते थे। और जो हमारी कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी है, अभी जो सोशलिस्ट पार्टी है आपकी, जो आपके बुक में है पर आपको नहीं पढ़नी है, वो भी कांग्रेस का ही एक फैक्शन था। बाद में वो कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक न्यू पार्टी बना लेती है। और जो कांग्रेस था ना, उसके अंदर छोटी छोटी पार्टीज थी, उसके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी थी और अपनी पॉलिसीज भी होती थी। तो कांग्रेस आप मान लो एक बड़ा सा स्कूल बन गया था और उसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग पार्टीज और ज़्यादा और होती थी, एंड इट रिमेंड एंड कोलाइडेड विद इन ईच अदर ओनली। नाउ लेट्स स्टडी द टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। यानी कि अब मैंने आपको कह दिया गुटबाजी हो रही थी, लेफ्ट वाले और राइट वाले तो ऑब्वियसली लड़ेंगे, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लड़ेंगे, तो उनको टॉलरेट हमारी कांग्रेस कैसे करती थी। तो सबसे पहले इसमें फैक्शन का मीनिंग आपको बता देती हूँ। फैक्शन, आप मान लो कि आपका एक ग्रुप बना है, आपने अपना फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लिया, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिन्हें डांस करना पसंद है, कुछ हो गए म्यूजिक पसंद है, कुछ है जिन्हें खाना बनाना पसंद है, कुछ है जिन्हें गार्डनिंग करना पसंद है। तो ऐसे में जब सबके इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप सबको उस ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, ग्रुप छोड़ देना चाहिए। अपना एक म्यूजिक वाले बच्चों का अलग ग्रुप बन जाए, डांस वालों का अलग बन जाए, गार्डनिंग वालों का अलग बन जाए, कुकिंग वालों का अलग बन जाए, बट नहीं, आप एक ही ग्रुप के अंदर रह रहे हो। तो ऐसी ही सिचुएशन थी उस समय पर हमारी कांग्रेस की। अलग अलग आइडियोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट, राइट, रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, अलग अलग आइडियोलॉजीज और इंटरेस्ट के लोग इकट्ठे रहते थे कांग्रेस के अंदर, जैसे तुम अपने वो फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर ही रह रहे हो। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपकी हॉबी बताई मैंने कि डांसिंग, म्यूजिक, तो ऐसे अलग अलग आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट के जो लोग इकट्ठे होकर इकट्ठे रहते थे उसको बोला गया है फैक्शन। यानी कि कांग्रेस में फैक्शंस बहुत सारे थे बट वो सब इकट्ठे होकर रहते थे, और वो ही कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ थी। तभी कांग्रेस जो थी वो उसने जो तीन अपने जनरल इलेक्शन तक जीती, क्यों? क्योंकि हर एक जो आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस के अंदर ही मेंटेन थी। ग्रुप विद इन अ पार्टी विद डाइवर्स आइडियोलॉजी आर कॉल्ड द फैक्शंस। फैक्शंस क्या होते हैं? ग्रुप्स विद इन अ पार्टी विद डाइवर्स आइडियोलॉजी आर कॉल्ड फैक्शंस। यानी कि अलग आइडियोलॉजी है बट वो पार्टी के अंदर ही हैगी। नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई? फैक्शंस बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज एंड समटाइम्स ऑन द पर्सनल एम्बिशन एंड राइवलरी। देखो कभी कभी तो जो फैक्शन होते थे वो आइडियोलॉजी के बेस पर होते थे, यानी कि हमें ये आइडियोलॉजी फॉलो करनी है, हमारा ये फैक्शन हो गया। कभी कभी आपस में लड़ाई और दुश्मनी के बेसिस पे भी फैक्शंस होते थे, यानी कि एक लीडर को उस वाले से दुश्मनी है तो वो अपना अलग फैक्शन बनाता था, अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करता था, उसको उससे दुश्मनी है, वो अलग अपना गुट बना लेगा, अपना अपना गैंग बना लेगा उससे दुश्मनी के। जैसे स्कूल में भी आप कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप भी कर सकते हो, खाली हॉबी के बेसिस पे नहीं। अब आप इमेजिन करो कि आपको उस वाले से चिड़न है तो आपने अपना एक नया ग्रुप बना लिया और अपने साथ में अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लिया। तो इस तरीके से कभी कभी आइडियोलॉजी के अलावा हमारा पर्सनल एम्बिशन, अपने खुद के मतलब एंड हमारी लाइवली के बेसिस पे भी फैक्शंस क्रिएट होते थे। आई
होप तुम्हें फैक्शन मैंने बहुत इजी में समझाने की कोशिश करी है, फैक्शन वर्ड समझ में आ गया होगा। और जो कोलिशन नेचर था, अब ये जो फैक्शंस इकट्ठा होकर रहते थे इसको ही कोलिशन कहते थे। इट इनकरेज द फैक्शंस, यानी कि कांग्रेस को कोई बुरा नहीं लग रहा था, कांग्रेस वॉज हैप्पी दैट इतने सारे आइडियोलॉजीज के लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस के अंदर रह रहे थे, कांग्रेस वॉज हैप्पी विद दैट। एंड इस वजह से कांग्रेस जो था वो फैक्शंस को इनकरेज भी करता था, उन्हें कोई फर्क नहीं, जो कांग्रेस थी वो मना नहीं करती थी कि नहीं आप ऐसे अलग अलग गुटबाजी मत करो, फैक्शन मत बनाओ, नहीं, कांग्रेस जो थी वो एनकरेज करती थी फैक्शंस को एंड वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई थी, मैनेज करके चलती थी। नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। फिर एक टाइम ऐसा आया, भैया अलग अलग सोच विचार के लोग कितने टाइम तक इकट्ठे रहेंगे, एक टाइम तो आएगा ना जब एक दूसरे का मुंह हाथ पैर तोड़ना शुरू कर देंगे, यानी कि फैक्शंस टूटने शुरू हुए। अब जो लोग अलग आइडियोलॉजी के थे, यानी कि लेफ्ट विंग और राइट विंग वालों को अब इकट्ठा नहीं रहना था, वो अलग होने लग गए, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई नई पार्टीज बनानी शुरू कर दी है। तो आज के टाइम पे जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी है, कोई भी आप नॉन कांग्रेस पार्टी अगर आप देखो तो वो सब उस जमाने की ऑपोजिशन पार्टीज थी। रूट्स ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी गोज बैक टू द 1950, यानी कि आज के टाइम में बीजेपी मान लो, आप सपा मान लो, और भी जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, भारतीय जनता संघ थी उस समय पहले ज़माने में, तो जितनी भी ये नॉन कांग्रेस पार्टीज थी हैं और जो थी वो 1950s के ज़माने की अपोजिशन पार्टीज़ हुआ करती थी, यानी कि उस समय पे कांग्रेस के साथ में जो अपोजिशन पार्टीज़ लड़ती थी उनकी हम बातें इसमें करेंगे। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, एज आई टोल्ड यू, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। देखो क्या होता है, जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसका मेन काम क्या है कि आप जो रूलिंग पार्टी है अगर वो कुछ गलत कर रही है या वो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी का काम है कि वो उससे वो काम कराए, वो पब्लिक के सामने वो बातें लेकर आए, फिर पब्लिक प्रेशर बना दी एंड द रूलिंग पार्टी विल वर्क। तो सबसे बड़ा काम हमारी अपोजिशन पार्टी का क्या होता है, टू फॉर्म द पब्लिक ओपिनियन, सेकेंडली क्या हो गया आपका, टू कीप अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो जो हमारी उस समय पे जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी बहुत अच्छे से काम करती थी, दे सस्टेन्ड एंड डिड द प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म। अब देखो आज के टाइम की अपोजिशन पार्टी, उस जमाने में अपोजिशन पार्टीज पर डिफरेंस होता था। आज के टाइम पे अपोजिशन पार्टी क्या होती है, आके माइक पे वो गलत बात भी बोल देते हैं, बट उस समय पे प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म होता था। क्रिटिसाइज करना किसी को गलत बात नहीं होता, बट अगर आप किसी को गलत शब्द यूज करके क्रिटिसाइज कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। तो उस जमाने में जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे अपोजिशन पार्टी के, जैसे कि आप मान लो बीआर अम्बेडकर हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, वो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स थे, वो भी क्रिटिसाइज करते थे बट एक तहजीब में और प्रिंसिपली क्रिटिसाइज वो करते थे। ये एक बहुत अच्छा फीचर्स था हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का शुरुआती दौर का। सेकंड क्या चीज़ थी, दे कैप द रूलिंग पार्टी अंडर द चेक। अब मैंने आपको बताया कि वो क्या करते थे, रूलिंग पार्टी को चेक में रखते थे कि अगर रूलिंग पार्टी कोई गलत काम कर रही है तो वो सामने लेकर आते थे, और रूलिंग पार्टी डरती थी फिर वो कोई अपनी जो गलत काम है वो नहीं करती थी। एंड इट ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस, और वो पावर को बैलेंस करती रहती थी विद इन द कांग्रेस। तो यही था हमारा फर्स्ट फेज ऑफ आर इंडियन पॉलिटिक्स। एंड देखो हमारी बुक में बता रखा है कि स्टार्टिंग में जब हमारे जो ऑपोजिशन, आज के टाइम पे आपने देखा ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के बीच में और जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स के बीच में कैसी बहस होती है कि कोई एक दूसरे की इज्जत भी नहीं करते, बट उस जमाने में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट जो एक इंस्टेंस बता रखा है, सब एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते थे, वो सब आप कह सकते हो फ्रीडम स्ट्रगल में इकट्ठे थे, एक दूसरे का साथ देते थे, तो वो एक दुश्मन राइवल नहीं हो गए थे। पॉलिटिक्स करना एक अलग चीज़ है, दुश्मनी निभाना एक अलग चीज़ है। तो बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट से सारे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के लोग रहते थे। फॉर एग्जांपल हमें बता रखा है, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जो समय पे सोशलिस्टिक पार्टी के लीडर थे, अभी आगे पढ़ाऊंगी उनके बारे में भी डिटेल में, तो उनको इन्वाइट करा कि आप मेरी सरकार में आ जाओ। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इन्वाइट करा था, तो इससे दिख रहा है कि कितना कॉर्डियल और कितना स्मूथ रिलेशनशिप थे बिटवीन द लीडर्स एट दैट टाइम। उस जमाने में ऐसे कुछ दुश्मनी टाइप नहीं होती थी, ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती थी हर एक लीडर्स के बीच में। दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर एंड यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो विद दिस हमारा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से आपको जितना पढ़ना था कंप्लीट हो गया है। यहां हमने देखा कि देखो शुरुआती दौर में जब कहते थे कि इंडिया के अंदर एक लाइन लिखी थी कि बिगेस्ट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, लगता था लोगों को कि इंडिया में डेमोक्रेसी चलेगी नहीं, बट हमारे तीन जनरल इलेक्शन हमने पढ़ भी लिए, यानी कि हमारी जो डेमोक्रेसी थी वो सक्सेसफुल हो गई है। बड़े बड़े यूरोप के अखबारों में लिखा जाता था कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी वो फेल हो जाएगी, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी लाना इट वॉज अ बिग टास्क, इलेक्शन करवाना बिग टास्क, इलिटरेट लोगों के लिए इलेक्शन कराना बिग टास्क, वो पूरा हुआ एंड अभी तक जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेसी के बेसिस पे चल रही है। तो विद दिस हमारा ये आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है।
अब आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपका चैप्टर जो आपका 5 है, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मेनली हमें क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे जब अभी तक जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर, अब हम पढ़ेंगे सक्सेशन आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस चली और कौन कौन सी अपोजिशन पार्टीज इमर्ज हुई, क्या क्या हुआ, दैट वी विल स्टडी नाउ। तो विद दिस हमारा आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। आई होप तुम्हें अब सिलेबस रिलेटेड क्वेरी खत्म हो गई होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शंस, फिर वन पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिशन। फिर हमने पढ़ा कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। देन वी स्टडीड नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, यानी कि कांग्रेस की डोमिनेंस की नेचर कैसी थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू, डेमोक्रेटिक नेचर की हमारी डोमिनेंस थी, अनडेमोक्रेटिक नहीं थी। देन वी स्टडीड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कांग्रेस डोमिनेंस, दैट क्यों कांग्रेस की डोमिनेंस थी। नेक्स्ट वी स्टडीड आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कॉलिशन। मैंने आपको बताया कि पहले कांग्रेस में सिर्फ अमीर एलाइट लोग थे, अब कांग्रेस के अंदर उसका बेस वाइड हो गया था, बाकी लोग भी आने लग गए थे। देन हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, फैक्शन मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बताया। एंड लास्ट वी स्टडीड व्हाट वर द अपोजिशन पार्टीज। बस इतना आपको पढ़ना था। अब आपका हाफ चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चलो मेंटेन करो अभी जाके एंड यू विल लर्न देम। चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो पार्ट 2 लिंक गिवन है, उसमें मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी। हर एक बच्चा उस वीडियो को भी जरूर देखेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं देखो, बट येस यू हैव टू वॉच इट बिकॉज आपको अच्छे नंबर लाने हैं। यू विल वॉच दैट वीडियो टू। तो पार्ट 2 लिंक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गो एंड स्टडी द रेस्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम देयर एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना एंड अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज आई नो देर आर मच कन्फ्यूजन अबाउट दीज चैप्टर्स। तो कन्फ्यूजन क्लियर करो, अपना भी अपने दोस्तों का भी। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है हर सब्जेक्ट की, गो एंड चेक इट।